राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम हरियाणा राजभवन में प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, म्हारा गांव जगमग गांव और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू करने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2014 में 871 की तुलना में आज 913 के लिंगानुपात तक पहुंचने की प्रगति यात्रा के लिए हरियाणा सरकार और समाज की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना उनके सशक्तिकरण का बहुत प्रभावी माध्यम है। राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भाग लेकर मुझे देश की प्राचीन और महान विरासत से जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी को योगदान देने वाले नई पीढ़ी के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए मुझे अवसर मिला। आज के दिनों समारोह हरियाणा की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और सराहनीय आधुनिक विकास के प्रतीक कही जा सकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को जीवन में उतारा है। वे कठोर निष्ठा, त्याग, तपस्या, कर्म और निष्काम सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। द्रौपदी जी, आज आप हरियाणा प्रदेश की उस पावन भूमि पर पधारी हैं, जिसे भारतीय संस्कृति का पोषक कहा जाता है। यहाँ के लोगों ने सदैव गीता के कर्म के संदेश को अपना कर मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिए, इसलिए हरियाणा को आज वीर भूमि के नाम से जाना जाता है।